जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। बाय मिस्टेक आई डिलीटेड माय प्रीवियस कॉन्वर्सेशन, तो मैं दोबारा लाइव आ गया हूँ। और आई विल रिपीट प्रॉब्ली द सेम थिंग, एग्जैक्टली द सेम चैट जो जो भी मैंने बोला था। मैं कोशिश करूँगा कि मैं दोबारा, अगर मुझे याद रहा तो मैं वो बताऊँ। यस, आई हैव बीन डिसकनेक्टेड लेटली। मैं बहुत दिनों बाद लाइव आ रहा हूँ, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और जी हाँ, मुझे आई वाज कोरोना नेगेटिव, आई वाज टेस्टेड पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव। तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात थी। ऑफ कोर्स, हम इतनी बुरी बुरी खबरें सुन रहे हैं और इतने बुरे हालात देख रहे हैं, और मैं जबकि समझता था कि शायद मुझे कभी नहीं हो सकता और ये शायद एक मजाक है और बस होता है लेकिन होके गुजर जाता है। मैं बहुत सारी एहतियातें कर रहा था, मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा था, हर वक्त दस्ताने, हर वक्त ग्लव्स, मास्क पहन के, एंड ऑल द टाइम सैनिटाइज एंड क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड। घर से कोई बाहर नहीं आ रहा था, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ क्या हुआ। एंड देन आई फिगर्ड आउट, एक दिन मैं ये सोच रहा था कि मुझे कब 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 ये हुआ होगा। एक दिन मुझे याद आया कि हाँ, ऐसा हुआ था कि मैं एक ऑफिस में एक मीटिंग के लिए गया, और वहाँ मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ क्या सिनारियो पहले क्या हो चुका है। मैं पूरी तरह, मैंने मास्क भी पहना हुआ था, ग्लव्स भी पहने हुए थे, सब कुछ। जब मैं निकलने लगा तो अचानक बहुत बड़ा एक लोगों का रेला आया, और सबने कहा कि जी हमें आपके साथ सेल्फी लेनी है। अच्छा, मैं कुछ इतना समझ था कि मुझे पहचानेंगे नहीं, सही कि मैंने मास्क पहना हुआ था, लेकिन उन्होंने आंखों से पहचान लिया और सारे के सारे एकदम करीब आ गए। मैं कोशिश ये कर रहा था कि सबसे दूर रहूं, तो मेरे गार्ड भी साथ था, सब उन्होंने कहा कि नहीं, दूर दूर दूर। तो अच्छा, ये भी होता है कि अगर आप ज़रा से लोगों से ज़्यादा कहें तो कहेंगे जी ये तो बहुत गुरूर है इसमें, या ये बहुत एटीट्यूड है, या बहुत रूड है और बदतमीज़ी से बात कर रहा है। लेकिन ये सेफ्टी और ज़िंदगी की बात होती है, उन लोगों की ज़िंदगी के लिए भी और हमारी ज़िंदगी के लिए भी, इसलिए लोगों को समझना चाहिए। बहरहाल, मुझे नहीं मालूम था कि इस ऑफिस में पहले से दो लोगों को कोरोना हो चुका है। और मैं जब निकला हूँ वहाँ से तो अच्छा, मुझे हालांकि वो दूर खड़े हुए थे, लेकिन मुझे मास्क उतारना पड़ा क्योंकि उन्होंने कहा कि जी हम पहचान नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है, आप 6 फुट के फासले पर खड़े हो जाएं मुझसे और तस्वीर ले लें। लेकिन हुआ शायद ये कि वहाँ, या तो मैंने वहाँ के हैंडल को, या दरवाजे के हैंडल को, या किसी चीज़ को, या कुर्सी को, मेज़ को हाथ लगाया होगा, और उसके बाद मैंने अपने मुंह पे लगा लिया क्योंकि मेरा मास्क उतरा हुआ था। शायद वो मोमेंट था जिस वक्त मैंने वो वायरस कैच किया। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव बीन टेस्टेड नेगेटिव। अब इस बात को भी 1 महीना हो गया कि मुझे नेगेटिव आ गया है मेरा रिजल्ट। 4th of August को नेगेटिव आया था जी। लेकिन जिस तकलीफ़ से मैं गुजरा हूँ वो मुझे पता है, जिस ब्रीदिंग के इश्यूज जिस तरह मुझे हुए, या जिस तरह मुझे बुखार था और मेरे सर में दर्द, बॉडी एक, स्मेल नहीं थी, टेस्ट नहीं था मुंह के अंदर, और इतनी लथार्जी और इतनी ज़्यादा थकन। मैंने तो अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया था, इसलिए कि इंपॉर्टेंट ये था मेरे घर में कि मेरी वालदा है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनकी सेहत की मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र थी, इसलिए कि वो सीनियर हैं और बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो उनको ही वायरस ना लगे। तो मैंने अपने आप को जितना उनसे डिस्कनेक्ट, बिल्कुल मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे कोई नहीं होता था सिवाय मेरे, एंड थैंक्स टू माय बॉय इख्तदार जिसने मेरी इतनी हेल्प की कि बस वो आता था और मेरी मेड एक खाना लेकर आती थी, और दूर दूर से बस वो रख देते थे जिस तरह, और मैं वो ले लेता था। और हर दफ़ा हर चीज़, मेरे सारे जो बर्तन थे वो डिस्पोजेबल थे, हर चीज़ डिसइंफेक्टेड थी अल्हम्दुलिल्लाह। बट यहाँ कुछ लोगों को मैं ज़रूर मेंशन करूँगा जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मदद की। एक तो मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाइयों की तरह है, अहमद ताहा गनी, उसकी वालदा मेरी बहुत ही प्यारी वो भाभी हैं, जिन्होंने मुझे मेरी बहनों की तरह हैं, जिन्होंने मुझे टेस्ट कराने पे मजबूर किया कि मैं टेस्ट कराऊं, और अगर वो ना फोर्स करती तो शायद मैं टेस्ट भी ना कराता। और उसके बाद उन्होंने मुझे इतना, मुझे कभी कुछ आ रहा होता था कभी कुछ, क्योंकि यू हैव टू ईट हेल्दी, आपको खाना अच्छा खाना पड़ता है, आपको ये नहीं कि आप खाना पीना छोड़ दें, आपको बहुत अच्छी डाइट लेनी पड़ती है, इसलिए कि आपकी बॉडी ने लड़ना होता है, डिफेंस, उसको डिफेंड करना होता है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और एक और डॉक्टर, आई जनरली डोंट टेक
एलोपैथिक मेडिसिंस, एलोपैथी पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव तो खैर मैं करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा डरता हूँ, क्योंकि हर एलोपैथी की जो मेडिसिन होती है वो उसका साइड इफेक्ट ज़रूर होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सादी पेन किलर भी ना लूँ, और मुझे माइग्रेन भी होता है तो अवॉइड टेकिंग एनी माइग्रेन की जो टैबलेट्स होती हैं वो भी मैं नहीं लेता हूँ। तो मेरी होम्योपैथी पे मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव है। मेरी वालिद को डायबिटीज़ में एक दफ़ा उनके पाँव की उंगली में प्रॉब्लम हो गई थी, और वो जो होता है ना कि एक उसको मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, जिसमें आपकी उंगली ख़राब हो जाती है, और बाज़ दफ़ा उसके लिए आपको वो तकलीफ़ होते होते आपकी टांग तक काटनी पड़ जाती है। होम्योपैथी की जो मेडिसिन थी सिर्फ उसने वो काम किया था, और इतना ज़बरदस्त कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर ही वॉज परफेक्टली फाइन। मेरी वालदा को ब्रेन हेमरेज हुआ, उसमें होम्योपैथी ने कमाल किया। मैंने बहुत इस केस को बिगड़ते हुए देखा है, लोगों को कोमा में जाते हुए देखा है, जान से जाते हुए देखा है, बट आई फॉर्चुनेटली फाउंड अ डॉक्टर हु वॉज़ वेरी वेरी हेल्पफुल सिंस डे वन, और उन्होंने जिस तरह मुझे तकलीफ से निकाला है। ये मैं आपको फिर बताऊं कि ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट लेकिन मैं ये सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा हुआ, अगर किसी और को भी उससे फ़ायदा हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। डॉक्टर तकी काजमी, उन्होंने मुझे, इस्लामाबाद में होते हैं वो, पहले अब्रॉड थे, इस्लामाबाद में, उन्होंने मुझे मेरी फैमिली को जितना हर प्रॉब्लम से निकाला है थ्रू हिज होम्योपैथिक मेडिसन्स, जो उनका ट्रीटमेंट होता है, ही इज़ अनबिलीवेबल, ही इज़ वेरी वेरी गुड। आई विल शेयर द नंबर, मैं यहाँ कैप्शन में भी दे दूंगा, और अगर आपके पास पेन एंड पेपर है तो आप अभी वो नंबर लिख लीजिए, एंड यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हिम। उनका नंबर है 0314-579-3040, आई रिपीट 579-3040, डॉक्टर तकी काजमी, 0314-579-3040। उनकी मेडिसिंस थी, मैंने कोई एलोपैथी की मेडिसिंस नहीं ली, एलोपैथिक किसी दवा, मैंने पैनाडोल तक नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना, इसमें बुखार का कम होना, इसमें पेन का कम होना, ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं, उनको करना चाहिए आपको ट्रीट। ईट हेल्थी, ट्राई टू डिसकनेक्ट योर सेल्फ, ट्राई टू नहीं, यू यूल हैव टू डिसकनेक्ट योर सेल्फ बाई ऑल मीन्स, और यखनी पिएं, गर्म कहवा पिएं, स्टीम बहुत ज़्यादा लें, अल्लाह ना करे अगर ये किसी को हो तो मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। और एक और बात कि ये ख़तरा टला नहीं है, ये अभी है और बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि अभी मुहर्रम भी है, अभी ईद गुजरी है, ये प्रोसेशंस जो होते हैं या इज्तिमात जो होते हैं, ये हमारी हमारे ट्रेडिशन का, हमारे मज़हब का हिस्सा हैं, अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं करते तो फिर आपको बहुत ख्याल करना पड़ेगा कि आप ग्लव्स पहने या मास्क पहने, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ योर डियर वंस, फॉर द लाइफ ऑफ योर लव्ड वंस, सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली केयरफुल। ठीक है, तो जनाब ये तो मेरी आज का ये सामन था जो कि इसलिए था कि मैं आपको बता सकूं कि क्या चीज़ें आपको ख्याल करनी चाहिए व्हेन यू आर, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, इफ यू आर कोरोना पॉजिटिव। So, okay, I'm disconnecting this call, this chat now, and I'll come back in 2 minutes. Take care.